हाय फ्रेंड्स, मैं कमल चौधरी पद्मावत के इस मूवी रिव्यू में आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने फिल्म को देखा पद्मावत। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंट्रोवर्सी की, जिस तरह से कंट्रोवर्सी की गई या करणी सेना ने जिस तरह से इस फिल्म को ऑब्जेक्शन किया, मुझे फिल्म में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी आपत्तिजनक था। इवन मैं राजपुताना हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन फिल्म में अगर मैं ट्रूली कहूं तो राजपुताना शान की गरिमा को और बढ़ाया है। फिल्म में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जहां राजपूतों की तारीफ ना की गई हो। राजपूतों के जो गुण हैं, उनके जो नियम और कानून थे, उनको लेके बहुत अच्छे ढंग से फिल्म लोगों को प्रेरित करती है और राजपूताना शान की गरिमा को और बढ़ाती है। परफॉर्मेंसेस की बात करता हूं तो रानी पद्मावती के रोल में दीपिका पादुकोण बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। वो बहुत नेचुरल लग रही है, लगता है कि आप किसी बहुत ब्यूटीफुल क्वीन को देख रहे हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डाल दी है। शाहिद कपूर बहुत नेचुरल लगे, जो उनको रोल मिला था वो अच्छा था। लेकिन अगर अदाकारी के मामले में किसी ने अगर बाजी मारी है तो वो है रणवीर सिंह। मैं कहूंगा पिछले 10 सालों में अगर मुझे कोई नेगेटिव शेड्स का कोई करेक्टर अगर कहा जाए कि वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर आपने क्या देखा, तो मैं कहूंगा रणवीर सिंह का रोल पद्मावत में। बहुत ही अमेजिंग एक्ट किया है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम्स को कैरी करने का तरीका बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मैं कहूंगा उनके उनके करेक्टर को देखने के लिए फिल्म 2-4 बार देखी जा सकती है। और फिल्म में अदर्स कोई भी करेक्टर है, उन्होंने अपने रोल को, चाहे वो रजा मुराद थे, चाहे अदिति हैदरी थी, और भी काफी करेक्टर्स फिल्म में थे, लेकिन हर एक्टर ने बहुत बखूबी अपना काम किया है। संजय लीला भंसाली जी की कोई भी फिल्म ले लीजिए, चाहे वो खामोशी म्यूजिकल हो, चाहे देवदास हो, चाहे हम दिल दे चुके सनम, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बहुत लाजवाब फिल्में उन्होंने बनाई हैं। इस तरह उनकी ये फिल्म भी बेहतरीन है, लाजवाब है। इसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म नीट एंड क्लीन है। फिल्म का स्क्रीन प्ले हो, चाहे फिल्म का सिनेमेटोग्राफी हो, फिल्म के डायलॉग्स हो, फिल्म का स्टोरी है, सभी पहलू फिल्म के बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं। आर्ट डायरेक्शन बहुत लाजवाब है। मेरी आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, इसे आप IMAX पे या 3D में देखें और मल्टीप्लेक्स में जाके देखें। प्लीज पायरेट वीडियो लाके इस फिल्म का सत्यानाश ना करें। ये फिल्म बहुत लाजवाब है। इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ आप अच्छे सिनेमा घर में जाके देखें। फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का गाना घूमर पहले ही हिट हो चुका है, लेकिन और 2-3 गाने अभी ना तो YouTube पर आए हैं ना कहीं दर्शकों ने देखे हैं, लेकिन वो गाने भी अच्छे हैं। फिल्म में ज्यादा गाने नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो अच्छे हैं। लेकिन मैं कहूंगा उनकी पिछली फिल्मों के जैसे बाजीराव मस्तानी, रामलीला का म्यूजिक बहुत फैंटास्टिक था, ये म्यूजिक बहुत फैंटास्टिक तो नहीं है, हाँ अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, गाने 1-2 और डाले जा सकते थे। लेकिन फिल्म की खासियत है कि फिल्म एंटरटेनिंग है, फिल्म आपको बांधे रखती है। 2 घंटे 43 मिनट की फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करती है, लेकिन क्लासिक तरह की ऑडियंस, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस इसको ज्यादा पसंद करेगी। शायद सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाने वाले लोग, कुछ लोगों को ये मूवी कम पसंद आए, लेकिन मुझे फिल्म काफी अच्छी लगी। और मैं यही कहूंगा कि एक अगर आप ब्रिलियंट सिनेमा देखना चाहते हैं, इंडियन सिनेमा की कोई लाजवाब फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप पद्मावत को जरूर देखें। अगर आपको लगता है मेरा फिल्म रिव्यू जनमन है और किसी ना किसी रूप में फिल्म देखने या ना देखने के लिए दर्शकों को प्रेरित कर सकता है, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे ये वीडियो देखते ही आप बेल आइकन को का बटन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे एक्टिंग से जुड़े हुए लाजवाब वीडियोस और आने वाले फिल्म रिव्यूज भी आप देख पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबका भरपूर सपोर्ट हमें मिलने वाला है। मैं कमल चौधरी आपसे अब अलविदा चाहूंगा, यही कहते हुए कि जिंदगी के किसी ना किसी सिनेमैटिक मोड पे मेरी आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए अलविदा।